उपकरण द्वारा किसी धातु का चालकता गुणांक ज्ञात करना। अभी हमने पिछले अध्याय में आपका पिछले क्लास में हमने ऊष्मा चालकता गुणांक के बारे में बताया था कि ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र क्या होता है, है ना। अब हमको हमने जो हौज का उपकरण था, है ना, इंजन हौज का उपकरण, उसके द्वारा हमने क्या किया, जो विभिन्न प्रकार के धातु हैं उनके चालकताओं की तुलना की, वो उसके लिए था। अब आगे सरल का जो उपकरण है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु की चालकता गुणांक की गणना की जा सकती है। जैसे कि आपका सरल के उपकरण की बनावट इस प्रकार से है, ये कहलाता है आपका सरल का उपकरण, है ना। इसमें आपका ये जो ए वाला भाग है, ए बी जो बताया गया है, ये प्रायोगिक क्षण है जिसके आपको चालकता गुणांक की गणना करनी है। जिसके लिए यहाँ पर इसी जो धातु की जो प्लेट है, छड़ है, उसमें धातु, है ना, तांबे की पाइप यहाँ पर लिपटी हुई है, जिसके एक एक जो सिरा है वो आपका पानी से कनेक्ट है, पानी की टंकी से, और उसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है। दूसरा जो पार्ट, जो दूसरा सिरा है, वो दूसरे वाले थर्मामीटर से लगा हुआ है। ये निकासी के लिए, आप इसमें प्रवेश के लिए है, और ये बाहर निकलने के लिए, ठीक है, पानी का। यहाँ पर एक आपका लकड़ी का बॉक्स नुमा है, इसके अंदर जो ये जो आपका छड़ है, प्रायोगिक छड़, और इस बाहर का जो बॉक्स है, इसके बीच में नमदा या रुई भर दिया गया है, ताकि जो ऊष्मीय ऊर्जा का बाहर संवहन या विकिरण द्वारा क्षय ना हो सके। इसमें ए वाला जो कक्ष है यहाँ पर, ये आपका कहलाता है भाप कक्ष। यहाँ से आप क्या करोगे, इस क्षण को ऊष्मा प्रदान करोगे। यहाँ पर आपका दो और थर्मामीटर लगे हुए हैं, यहाँ पर गहराई किया गया है इस क्षण में, और यहाँ पर एक एक बूंद पारा रख दिया गया है, और उसके साथ अटैच कर दिया गया है थर्मामीटर। यहाँ एक एक बूंद पारा रखने का क्या उद्देश्य है, इसको समझते हैं। पारा क्या होता है, आपका ऊष्मा का सुचालक है। तो थर्मामीटर को यदि इससे अटैच करना है, धातु के संपर्क में रखना है, तो अच्छी तरह ये ऊष्मा के साथ कनेक्शन बना सके थर्मामीटर, उसके लिए यहाँ क्या कर दिया गया है, पारा की एक एक बूंद रख दी गई है। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले यहाँ इस टंकी के द्वारा इस पाइप में पानी प्रवाहित की जाती है। एक स्थिर धारा की आप जल प्रवाहित करेंगे इसमें, जिसका वेग भी निश्चित हो, एकदम ज़्यादा ना हो, और एक लिमिट में यहाँ पर क्या करेंगे, हम पानी प्रवाहित करेंगे। यहाँ पर उसी समय यहाँ पर क्या करेंगे, भाप कक्ष से भाप भेजेंगे यहाँ। तो भाप के संपर्क में आपका क्या है, छड़ है। तो भाप के संपर्क में छड़ होने के कारण छड़ क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। गर्म होने के कारण जो इससे लगे हुए थर्मामीटर है, उसका जो पारा है ऊपर चढ़ने लगेगा। जब इसकी स्थायी दशा प्राप्त हो जाएगी, स्थायी दशा प्राप्त मतलब, स्थायी दशा का मतलब हम पहले बता चुके हैं, स्थायी दशा का मतलब क्या होगा, आपका ताप स्थिर हो जाएगा और अधिक नहीं बढ़ेगा, है ना। उस समय पारा अपनी अपनी जगह क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। तो आपका वो स्थिर अवस्था हो गया, तो उस कंडीशन में जब ये सारे आ जाएंगे, तो उस समय हम यहाँ पर चार जो थर्मामीटर हैं, है ना, ये आपका पहला थर्मामीटर थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और थीटा फोर, है ना, इन चारों के पाठ्यांक हम नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी गणना क्या करेंगे, यहाँ पर क्या प्रवाहित कर रहे हो आप, पानी प्रवाहित कर रहे हो, है ना। तो
एक कितने समय के लिए आपने प्रवाहित किया है, वह समय और कितनी मात्रा में आपका पानी है उसका द्रव्यमान, ये नोट कर लेंगे इसके द्वारा, है ना। ये आपका यहाँ से प्रवेश कर रहा है पानी, तो ये आपका यहाँ का ताप, इसके ताप से क्या होगा, यहाँ का ताप क्या होगा, इसका ताप कम होगा क्योंकि यहाँ से प्रवेश कर रहा है। उसके बाद ये ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, चूंकि ये इससे लिपटा हुआ है, आपका लोहे की छड़ से लिपटा हुआ है, तो यहाँ से जो ऊष्मा के का ये भाप के कारण जो ये गर्म होगा, वो ऊष्मा किसमें चली जाएगी, इसमें प्रवाहित होने वाली पानी में, जिसके कारण इसका भी ताप परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो इसका ताप कम होगा और इसका ताप क्या होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार हम क्या क्या नोट करेंगे, क्या क्या इसमें नोट करना है, सबसे पहला आपका इन चारों थर्मामीटरों का पाठ्यांक, दूसरा आपका इस पानी जो जा रहा है इसमें उसका निश्चित समय के लिए जो पानी गया है उसका द्रव्यमान, और इस क्षण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये चीज़ें हम नोट कर लेंगे, इसके बाद हम जो आपका चालकता गुणांक का जो सूत्र है उसमें रख देंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से प्रेक्षण जो आपने किया, उसमें आपने किसकी किसकी गणना की। सबसे पहला अनुप्रस्थ काट का, काट का क्षेत्रफल, ये कितना है आपका, मान लीजिए आपका ए आया। दूसरा आपका यहाँ पर ई और एच दो थर्मामीटर है, इसका इन दोनों के बीच की दूरी ई व एच के मध्य की दूरी। तीसरा ई व एच थर्मामीटर का पाठ्यांक आपका, मान लीजिए इसका पहले का थीटा वन है, इसका थीटा टू है, तो थीटा वन व थीटा टू। उसके बाद ये तो पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा आप क्या नोट करोगे, ये तीसरा और चौथा थर्मामीटर है, तो थीटा थ्री व थीटा फोर का पाठ्यांक, और आपका पांचवा हो जाएगा पानी का द्रव्यमान जो उसमें प्रवाहित हो रही है, पानी निश्चित समय के लिए जो प्रवाहित हो रही है उसका द्रव्यमान, तो टी समय में प्रवाहित पानी का द्रव्यमान एम। तो इन चीजों की हमको गणना करनी है, जो आप देख के बता सकते हो, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री और थीटा फोर आप थर्मामीटर का पाठ्यांक नोट कर लोगे तो उससे निकल जाएगा तुरंत, आपका द्रव्यमान आप वेट निकाल लोगे, वो हो गया आपका समय कितने समय के लिए, तो समय के लिए आप क्या निकालोगे, कितने समय के लिए आपने जल प्रवाहित किया उसके लिए आप एक विराम घड़ी रखोगे कि आपने कितने समय के लिए प्रवाहित किया है, तो उस समय और उसके बाद आप द्रव्यमान की गणना कर सकते हो। तो इन सब चीजों को निकालने के बाद आपका ऊष्मा चालकता गुणांक के सूत्र में इन्हें रख देंगे। ऊष्मा चालकता गुणांक
ज्ञात करने के लिए। क्यू बराबर क्या होता है आपका, ए थीटा वन माइनस थीटा टू टी अपान डी। ये आपका सूत्र होता है जहाँ क्यू क्या है, ऊष्मा की मात्रा। ये किसके बराबर होती है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए थीटा वन माइनस थीटा टू इंटू टी अपान डी, इसके बराबर होता है। अब हमको यदि ऊष्मा की मात्रा यहाँ निकालनी है, हमको क्या यहाँ और चीज़ है इक्वल टू के, के ये क्या है, के आपका ऊष्मा चालकता गुणांक है। तो यहाँ पर हमको किसकी गणना करनी है, उस धातु के ऊष्मा चालकता गुणांक की गणना करनी है, मतलब हमको गणना करनी है के की। तो हमको इन सब का मान मालूम होना चाहिए, तो ये सब का मान तो मालूम है, यहाँ बच गया क्या, क्यों ऊष्मा की मात्रा। तो ऊष्मा की मात्रा क्या होगी इस छड़ में, इसका छड़ का कनेक्शन किससे है, इस पाइप से है, और पाइप में क्या प्रवाहित हो रही है, पानी। तो इस क्षण में जितनी भी ऊष्मा होगी वो किसमें चली जाएगी, इस पाइप में जो पानी प्रवाहित हो रही है उसमें चली जाएगी। तो इसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसके द्वारा हम इसकी गणना करेंगे। तो क्यों पानी द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू बराबर आपका विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या था, क्या होता है आपका विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टी। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टी, ये होता है सूत्र। क्यू ऊष्मा की मात्रा, एम द्रव्यमान, एस विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टी तापांतर, ये है या ताप में वृद्धि। तो आपका इस सूत्र में, इस सूत्र से हम ऊष्मा की मात्रा की गणना कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे, यहाँ पर क्यू इक्वल टू एम पानी का द्रव्यमान हो गया, पानी के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो एक होती है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका एक। डेल्टी कितना है, पानी द्वारा अवशोषित ऊष्मा के कारण टेम्परेचर थीटा थ्री और थीटा फोर का बढ़ रहा है ना, तो आपका ये वाले दोनों थर्मामीटरों का बढ़ रहा है, तो आपका तापांतर कितना हुआ, इसका ताप अधिक है इसका ताप कम है, तो थीटा थ्री माइनस थीटा फोर, तो आपका तापांतर हो जाएगा थ्री माइनस थीटा फोर, या क्यू इक्वल टू एम थीटा थ्री माइनस थीटा फोर, समीकरण दो। समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ क्यू का मान निकल गया है, अब इसका मान हम समीकरण एक में रख देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू की जगह रखोगे तो समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर क्या हो जाएगा, एम थीटा थ्री माइनस थीटा फोर इक्वल टू, इधर क्या था आपका के ए थीटा वन माइनस थीटा टू टी अपान डी, ये था आपका। तो अब हमको क्या निकालना है, के का मान निकालना है, तो के को एक तरफ रख देंगे और बाकी को दूसरे तरफ, तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के को एक साइड रख दीजिए बाकी को दूसरे साइड,
अपमान, ये आ गया आपका, है ना। तो इस सूत्र के द्वारा हम ऊष्मा चालकता गुणांक का मान निकालेंगे धातु का। तो इसमें आपका एम का द्रव्यमान मैंने बताया, पानी का आप कितने समय तक प्रवाहित करें उस पानी का द्रव्यमान निकालेंगे कितना है। उसके बाद थीटा थ्री थीटा फोर आपके ये दोनों थर्मामीटर के पाठ्यांक होंगे, थीटा वन थीटा टू ई और एच के पाठ्यांक होंगे, और आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये क्षण का, तो सारे वैल्यू आपके यहाँ मालूम हो गया। तो इसके द्वारा हम आसानी से के की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार जिस भी धातु की ऊष्मा चालकता गुणांक हमको ज्ञात करनी है उसको यहाँ रख कर हम इस सूत्र के द्वारा ऊष्मा चालकता गुणांक की गणना कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सूत्र। तो ये है सरल का उपकरण और उसके द्वारा चालकता की गणना करना। अभी आपने ठोस के बारे में पढ़ा है ना, अब देखते हैं चालन विधि देख रहे हैं अभी तक। अब अगला है आपका इसका दैनिक जीवन में उपयोग, किस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऊनी जो कंबल होता है वो शरीर को गर्म रखता है। ऊनी कंबल क्या करता है, शरीर को गर्म रखता है, और उसी के जगह यदि हम बर्फ को ढक दें उससे तो उसके ठंडेपन को भी बनाए रखता है। मतलब बर्फ को पिघलने के लिए करते हैं, बोरे को लपेट देंगे अच्छे से, बोरे को लपेट देते हैं या तो आप कंबल को लपेट देते हो, तो उसके कारण क्या है, बर्फ नहीं पिघलता, मतलब ज़्यादा समय तक रहता है उसमें सुरक्षित। तो ये किसके कारण होता, किसके कारण होता है, एक जगह हमारे शरीर को गर्माहट भी प्रदान कर रहा है और साथ साथ वो बर्फ को पिघलने से भी बचा रहा है। इसका कारण क्या है, कंबल में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें क्या भरा रहता है, वायु भरी रहती है, और वायु क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। मतलब वो क्या करेगा, एक ऐसा माध्यम बनाएगा जो एक जो है वस्तु उसके ताप को दूसरे के तरफ बढ़ने नहीं देगा, मतलब ऊष्मा के आदान प्रदान को वो रोक देगा। तो जैसे कि हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर की ऊष्मा को क्या करता है, यदि कंबल लपेट दिए तो शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देगा, इसके कारण क्या होता है, हमको गर्माहट लगती है। उसी के जगह यदि बर्फ की बात करें तो बर्फ के लिए क्या हो जाएगा, आपका बर्फ ठंडा है और बाहर का वातावरण क्या है, गर्म है, तो क्या करेगा, जो कंबल में भरा हुआ जो उसके क्षेत्र में भरा हुआ जो वायु है वो कुछ अलग की भांति में एक दीवार की भांति काम कर रहा है, जो एक ऊष्मा एक जगह से ऊष्मा को दूसरे जगह स्थानांतरण को रोक रहा है। तो बाहर की जो ऊष्मा है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिसके कारण वो आपका बर्फ क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये है आपका एक जो देखते हो जहाँ भी बर्फ वगैरह का यूज़ होता है, बर्फ की फैक्ट्री हो या ठेले वगैरह में भी दिख जाता है, लपेटे रहते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे एग्जांपल है आपका मोटे कांच के गिलास, हम जनरली देखे हैं घरों में कई बार ऐसा हो जाता है कि कांच का गिलास टूट जाता है यदि हम गरम गरम चाय रख दें, है ना, छोटे छोटे ग्लास रहता है उसमें अगर हम क्या करें चाय रख देंगे तो अचानक से क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसका कारण क्या होता है, जो कांच भी है वो आपका क्या है, ऊष्मा का कुचालक है, मतलब जल्दी से ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण नहीं हो पाता। तो जैसे ही आपका जैसे कांच मोटा है तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे ही आपने चाय डाला तो जहाँ पर वो चाय की जो ऊष्मा है वो उसके संपर्क में जो तल आया वो तो गर्म हो गया, लेकिन जो नीचे वाला तल है वो गर्म हो पाया क्या,
नहीं हो पाया, तो एक में क्या हो गया, प्रसार हो गया, और एक में क्या हो गया, ठंडी ही अवस्था में। तो इस प्रकार के असंतुलन के कारण क्या हो जाता है, आपका कांच टूट जाता है। तो दूसरा एग्जाम्पल है जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। इसी प्रकार जैसे आपका ग्रीष्म काल में, जैसे अभी तो गर्मी का दिन चल रहा है, तो इस टाइम देखते हैं कि शाम के वक्त बाहर का जो वातावरण है वो क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगता है। लेकिन हमारा जो कमरे में क्या है, उमस भर जाती है, कमरे का ताप ठंडा नहीं होता, भले बाहर का ताप क्या होने लगा है, ठंडा होने लगा है, लेकिन अंदर का जो गर्माहट है वो बना रहता है। तो ये एक किस कारण होता है, इसका कारण ये है कि आपका जो दीवाल है ना, वो भी तो ऊष्मा का कुचालक है। तो वो क्या करता है, जैसे बाहर का वातावरण भले ही ठंडा हो गया हो, लेकिन हम जो रूम में जो ऊष्मा भरी हुई है या जो गर्माहट है, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा एकाएक बाहर नहीं जा पाती दीवाल के कारण, जिसके कारण क्या है, हमारे रूम को जो है ठंडा होने में टाइम लगता है। तो ये जो हम देखते हैं है ना, तो ये कुछ एग्जाम्पल है ऊष्मा चालकता के। आगे है आपका दूसरा, फर्स्ट अभी पढ़े थे हम चालन, तीन विधियां हैं ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण की। तीन विधियां कौन कौन सी हैं आपकी, चालन, संवहन और विकिरण। तो हमने अभी तक किसके बारे में पढ़ा, चालन के बारे में पढ़ा। चालन में क्या होता है, एक अणु अपने ही जगह पर रहता है, लेकिन दूसरे अणु को क्या करता है, या दूसरे कण को ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान कर देता है। इस प्रकार ऊष्मीय ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है। अब दूसरा जो है संवहन, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संवहन। संवहन में क्या होता है, कण ही इसमें ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण कर रहे हैं, लेकिन कण गतिशील भी हैं। कण कौन सी अवस्था में है आपके, गतिशील अवस्था में, चालन में नहीं था। अब संवहन में क्या हो रहा है, कण उसके साथ साथ ऊर्जा का स्थानांतरण तो हो रहा है, साथ साथ स्वयं भी गति कर रहे हैं। तो ये आपका किसमें होता है, जैसे पानी को गर्म करते हैं, नीचे जिसके ऊष्मा के संपर्क में है वो वाला जो भाग है पहले गर्म होता है और वो ऊपर चला जाता है हल्का होके, और जो भारी वाला है वो नीचे आ जाता है। फिर ये प्रोसेस क्या है, चलता रहता है और पूरा पानी आपका गर्म हो जाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। तो इसके लिए दो प्रकार के संवहन बताए गए हैं, प्राकृतिक संवहन और दूसरा है प्रणोदित संवहन। प्राकृतिक संवहन का मतलब क्या है, दो प्रकार का संवहन है, पहला है आपका प्राकृतिक संवहन और दूसरा है आपका प्रणोदित संवहन। प्रणोदित संवहन, तो प्राकृतिक संवहन मतलब प्राकृतिक रूप से, जैसे कि आपका कहीं पे घनत्व तो अधिक हो गया वायु का, कहीं पे कम हो गया, उसके कारण क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्राकृतिक संवहन हो गया। दूसरा आपका क्या है, प्रणोदित संवहन। प्रणोदित संवहन मतलब आप क्या कर रहे हो, उस जैसे गैस है, संवहन द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, तो गैस को जैसे आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो या मूव करवा रहे हो, जैसे पंखा, पंखे के द्वारा क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, या पंप के द्वारा, पंप के द्वारा गैस को क्या करते हैं, हम गतिशील अवस्था में लाते हैं, तो वो भी क्या है आपका, प्रणोदित संवहन। तो पहला आपका प्राकृतिक संवहन, प्राकृतिक रूप से जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो। दूसरा आपका है प्रणोदित संवहन, यदि आप क्या पंप द्वारा या पंखे द्वारा क्या कर रहे हो, गैस को गतिशील अवस्था में ला रहे हो, तो उसके कारण जो ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण। तो दो प्रकार के हैं आपका
तो दो प्रकार से हुआ आपका, प्राकृतिक संवहन और प्रणोदित संवहन। तो संवहन के कुछ हम अनुप्रयोग देखते हैं जो हमारे पृथ्वी को भी बनाए रखने के लिए या हमारे लिए भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। कि जैसे कि पहला आपने सुना होगा व्यापारिक वायु, व्यापारिक वायु चल रही है कहा जाता है न्यूज़ में, ऐसा न्यूज़ अगर मौसम का अगर हाल देखोगे तो उसमें भी दिखाता है। तो व्यापारिक वायु कैसे चलती हैं, इसका कारण भी आपका संवहन है। कैसे, जैसे कि आप ध्रुवों पर जाते हैं, ध्रुवों पर क्या है, मौसम ठंडा है और विषुवत रेखा में गर्म है। तो जाहिर सी बात है जहाँ गर्माहट है वहाँ की वायु क्या होगी, हल्की होगी और गर्म होगी। गर्म और हल्की होने के कारण ऊपर उठेगी और आपका जो ध्रुव है वहाँ सब जगह बर्फ से ढका हुआ है, तो वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है। तो वहाँ का ताप कम होने के कारण उसमें क्या होगा, उसकी जो वायु होगी वो भारी होगी और पृथ्वी के निकट होगी। तो इस कारण क्या हो रहा है, घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, ताप में परिवर्तन और घनत्व में परिवर्तन, जिसके कारण क्या होता है आपका जो आपका विषुवत रेखा वाला जो वायु है, गर्म वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और वो किधर की ओर चलती है, ध्रुवों की ओर चलती है, जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर चलने लगेगी। और जो उत्तरी ध्रुव का जो ठंडा वायु है इसकी जगह लेने के लिए वो नीचे आ गया, तो वो नीचे आ जाएगा आपका, किधर, विषुवत रेखा की ओर चलने लगेगी। मतलब आपका गर्म वायु किधर से किधर चल रहा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चल रहा है, और ठंडी वायु किधर से किधर चल रही है, ध्रुवों से आपके विषुवत रेखा की ओर। तो ये आपका चक्रनुमा हो गया। और चूंकि इस हमारा जो पृथ्वी है वो कौन सी गति करता है, घूर्णी गति भी करता है। पृथ्वी सूर्य का तो चक्कर लगा ही रहा है, साथ साथ अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा है, घूर्णी गति कर रहा है। तो घूर्णी गति के कारण, घूर्णी गति किधर से किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आपका जैसे वायु उत्तर की ओर जा रहा है, जो गर्म वायु है किधर गया, उत्तर की ओर, तो वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है किधर, इसके रोटेशन के कारण पूर्व से पश्चिम आ रहा है, तो वो जो उत्तर की ओर जा रहा है उत्तर से पूर्व की ओर मुड़ जाता है। तो इन्हीं वायु को क्या कहते हैं, हम व्यापारिक वायु कहते हैं, उत्तर से पूर्व की ओर चलने वाली वायु। तो ये किसके कारण हो रहा है, आपका संवहन के कारण ही हो रहा है। गर्म हल्के आपका गैस गर्म होकर ऊपर उठ गया, उसकी जगह क्या है, ठंडी वायु आ गई, वो फिर गर्म होगी, फिर ऊपर हो वो चली जाएगी, उसकी जगह फिर कौन आ जाएगा, आपका ठंडी वायु आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका क्या है, चलता रहेगा। इसी प्रकार दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं वेंटिलेशन का। जो घरों में खिड़कियां होती हैं या वेंटिलेशन लगाया जाता है उसका कारण क्या होता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो सांस गर्माहट होती है, तो वो गर्म और अशुद्ध वायु क्या, हल्की होने के कारण, गर्म है और अशुद्ध है तो हल्की होने के कारण ऊपर चली जाएगी, और जो ठंडी वायु है या शुद्ध वायु वो खिड़कियों के द्वारा आ जाएगी। तो वेंटिलेशन के द्वारा क्या हो गया, गर्म वायु ऊपर की ओर बाहर निकल गई, जो अशुद्ध वायु है, और उसकी जगह किसने ले लिया, बाहर की शुद्ध वायु और ठंडी वायु ने ले लिया। तो इस प्रकार आपका जो कमरा है वो स्वास्थ्यप्रद रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि कमरे एकदम बंद बंद ना हो, क्या हो, उनमें पर्याप्त खिड़कियां और वेंटिलेशन की सुविधा हो, तभी आपका जो कमरा है वो क्या रहेगा, अच्छा बना रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो ये है कुछ एग्जांपल्स आपके संवहन के। अगला है आपका विकिरण। दो चीजें हो गई आपके, चालन और संवहन। अब अगला है आपका विकिरण। विकिरण, विकिरण का मतलब क्या है आपका, विकिरण ये कौन सी है, ऊष्मा संचरण की ये कौन सी विधि है। विकिरण, विकिरण में क्या होगा आपका,
इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तो होता है, लेकिन ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए या ऊष्मीय ऊर्जा के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपका इसमें क्या है, माध्यम नहीं लगेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है, तो सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँच, सूर्य तो बहुत दूर है, तो बीच में कहीं कई जगह ऐसा आता है कि निर्वात, मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ, वो आता है, तो फिर भी हमारे तक वो ऊष्मीय ऊर्जा आ रही है या सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँच रहा है। तो इसका कारण क्या है, आपका उसमें ऊष्मीय ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो किसके द्वारा हो रहा है, विकिरण के द्वारा हो रहा है। तो विकिरण में क्या होगा, आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी ऊष्मीय स्थानांतरण के लिए। तो जैसे आपका सूर्य का प्रकाश है, है ना, सूर्य के प्रकाश में मुख्यतः तीन भाग होते हैं, एक है आपका अवरक्त किरणें, दूसरा आपका क्या है, दृश्य प्रकाश, और तीसरा आपका क्या है, पराबैंगनी किरणें। अवरक्त किरणों का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है, उसके उससे कम आपका दृश्य प्रकाश का होता है, उससे कम आपका पराबैंगनी का होता है। तो जो इसमें पहला जो भाग है अवरक्त प्रकाश, जिसको कहा जाए अवरक्त किरणें कहा जाता है, अवरक्त किरणें ही आपकी ऊष्मीय विकिरण है। इसको ही क्या कहते हैं, हम ऊष्मीय विकिरण कहते हैं, क्योंकि अवरक्त किरणों का ही गुण होता है कि वह किसी भी पदार्थ को क्या कर सकता है, गर्म कर सकता है। तो जब ऊष्मीय विकिरण क्या है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती है, तो यदि वह कोई पदार्थ उसके सामने आता है तो गर्माहट का अनुभव तब करेगा जब उस ऊष्मीय विकिरण को क्या करता है, वो अवशोषित करता है। यदि अपने में से जाने देगा तो वो गर्म नहीं होगा। तो ऊष्मीय विकिरण ऊष्मा का रूप कब लेती है, जब कोई भी पदार्थ, उसको हमको पता कैसे चलता है, वो तो अदृश्य रूप में रहता है ऊष्मीय विकिरण, लेकिन हमको पता कैसे चलता है कि ऊष्मीय विकिरण में जो है वो ऊष्मा है, ऊष्मीय ऊर्जा है, वो कब पता चलेगा, जब उसके सामने यदि कोई पदार्थ रखा जाएगा या कोई वस्तु रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, अवशोषित कर लेगा ऊष्मीय विकिरण को, तो वो क्या हो गया, गर्म। तो ये ऊष्मीय ऊर्जा निहित है, लेकिन यदि उसमें से जाने देगा अपने में से, तो फिर वो वस्तु क्या है, वो गर्म नहीं होगी। ये आपका तीसरा विधि ऊष्मीय विकिरण की। तो ये इसके गुण लगभग आपके प्रकाश का जो गुण है उसके लगभग समान होता है। जैसे प्रकाश का वेग 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो ऊष्मीय विकिरण का भी जो वेग है क्या है, आपका 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड है। जैसे प्रकाश क्या करता है, परावर्तन का गुण, अपवर्तन का गुण, ध्रुवण का गुण, व्यतिकरण का गुण प्रदर्शित करता है, तो आपका जो ऊष्मीय विकिरण भी है वो भी इन गुणों को प्रदर्शित करती है। प्रकाश को भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उसी प्रकार ऊष्मीय विकिरण को भी नहीं होती। प्रकाश क्या है, आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण किरण है, तो आपका ऊष्मीय विकिरण भी क्या है, विद्युत चुंबकीय किरण है। तो ये किससे सिमिलरिटी में है, आपका प्रकाश से, लगभग प्रकाश के समान ही अपने गुण परिलक्षित करता है। तो ये हो गया आपका ऊष्मीय विकिरण। तो अभी के लिए इतना ही आपका।